शांति आज की तारीख है एक तेईस और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए अमृत वेले उठ बाप को याद करो सवेरे का समय कमाई के लिए बहुत बहुत अच्छा है प्रश्न है सदा सलामत रहने का आधार क्या है सदा सलामत किसे कहेंगे उत्तर है बाप की श्रीमत ही सदा सलामत बनाती है कभी भी कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी तुम बच्चे इतने तकदीरवान बनते हो जो कभी किसी प्रकार की चोट नहीं लग सकती तुम्हारी काया निरोगी बन जाएगी तुम अपनी तकदीर की महिमा गाते रहो जो उठते बैठते बाप की याद में रहते हैं वह है तकदीरवान बच्चे उन्हें ही सदा सलामत कहेंगे गीत भी बड़ा प्यारा बजा है रात की राही थक मत जाना सुबह की मंजिल दूर नहीं दूर नहीं थक मत जाना धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य नंबर एक बुद्धि योग से सच्ची यात्रा करनी है हमारी जिस्मानी यात्रा नहीं हमारी है रूहानी यात्रा तो बाबा कहते हैं कि विनाशी धन के पीछे अपनी तकदीर नहीं गवानी है सच्ची सच्ची कमाई करनी है नंबर दो तन मन धन से पूरा फ्लैंथ्रोपिस्ट यानी महादानी बनना है अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देना है वरदान सतगुरु बाबा का दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्मा टचिंग का अनुभव करने वाला मास्टर सर्वशक्तिमान भव तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल कहा जाता है इस बुद्धि बल के द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियां कैच कर मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हो जैसे साइंस बुद्धि बल है लेकिन वह संसारी बुद्धि है इसीलिए इस संसार के प्रति प्रकृति के प्रति ही वो सोच सकते हैं आपके पास दिव्य बुद्धि का बल है जो परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है दिव्य बुद्धि के बल से माया के वार को हार खिला सकते हो यानी उसको हम पराजित भी कर सकते हैं स्लोगन है मास्टर ज्ञान सूर्यबन सर्व को ज्ञान की लाइट और माइट देने वाले सच्चे सेवादारी हैं अच्छा मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को या प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते ओम शांति